नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर। और बताइए कैसे हो आप सब, आशा करता हूं ठीक होंगे। थंबनेल में आपने देख ही लिया है कि यह वीडियो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF नई वैकेंसी के रिलेटेड रहेगा। लाखों बेरोजगार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका सपना है रेलवे में पुलिस की वर्दी लेने का। और पुलिस की वर्दी दो प्रकार की हो सकती है, एक तो आपकी कांस्टेबल की और दूसरी आपकी सब इंस्पेक्टर SI की। सब इंस्पेक्टर का प्रोसेस कैसे चलता है, कांस्टेबल कैसे बनते हैं, A to Z बातें करेंगे। जो मैं जानकारी दूंगा कहीं नहीं मिलेगी, यह प्रॉमिस करता हूं। यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF A to Z बातें करेंगे मेरे भाई। लाइक का बटन दबा देना, एंड चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है तो एक बार धीरे से अभिषेक क्लासेस को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस अवश्य कर देना। अब बोर्ड पर ध्यान दे ले, बात कर रहा हूं RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कांस्टेबल एंड SI न्यू वैकेंसी 2023। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है। तो भाई साहब, इसमें 10,000 से अधिक वैकेंसीज रहेगी, जिसमें आपकी कांस्टेबल की ज्यादा रहेगी और SI की कम रहेगी। SI की तो दोस्तों 2,000 के लमसम ही रहेगी, लेकिन कांस्टेबल के 10,000 वैकेंसीज रहेगी। इसमें 50-50% रहेगी, 50% महिलाओं के लिए एंड 50% पुरुषों के लिए। अब नोटिफिकेशन की मैं बिल्कुल सटीक बात कर रहा हूं, बिल्कुल आपको एक्यूरेट बता रहा हूं कि RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का जो नोटिफिकेशन है वह फरवरी मार्च में कभी भी किसी भी दिन किसी भी समय आ सकता है। नोटिफिकेशन को बिल्कुल भूल जाइए, नोटिफिकेशन की अगर चिंता करने लगे तो कभी भी जिंदगी में सरकारी नौकरी नहीं लगेगी। नोटिफिकेशन की चिंता मुझे है, आपको बस यही चिंता है कि कैसे हमें RPF के एग्जाम्स की पेपर की खोपड़ी में छेद करना है। आइए, महत्वपूर्ण बातें हो रही है। एज लिमिट अंडर रिजर्व एंड EWS 18 वर्ष से 25 वर्ष, कॉन्स्टेबल की बात कर रहा हूं पहले। SC ST फीमेल 18 वर्ष से 30 वर्ष, OBC 18 वर्ष से 28 वर्ष। बात करूं अगर मैं SI के लिए, अगर आप फॉर्म अप्लाई करोगे ना सब इंस्पेक्टर के लिए, तो इसमें एज रहेगी भाई साहब अंडर रिजर्व एंड EWS 20 वर्ष तो मिनिमम और मैक्सिमम 25 वर्ष, एंड OBC 20 से 27 वर्ष, SC ST फीमेल 20 वर्ष से 30 वर्ष आयु सीमा रहेगी एंड SI की। अब दोस्तों बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, यानी कि उनकी आयु 30 साल से अधिक हो चुकी है, 25 साल से अधिक हो चुकी है, आखिर वो क्या करेंगे? क्या वो RPF की नौकरी नहीं ले सकते? लेंगे ना, कौन मना कर रहा है। RPF की सालों बाद वैकेंसीज आ रही है, 3 साल की छूट मिलेगी। बिल्कुल टेंशन मत कीजिएगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, कहीं ना कहीं आपको भी मौका मिलेगा। ओवर एज को लेकर परेशान बिल्कुल भी मत होना अभी से ही, ठीक है। अब ये एप्लीकेशन फी के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कहेंगे सर अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है और आप एप्लीकेशन फी बता रहे हो। तो भैया जी, जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, कम से कम उसको तो जानकारी ले लेने दीजिए ना भैया जी। अनरिजर्व एंड EWS OBC एप्लीकेशन फी 500 रुपए लगती है भैया जी, ठीक है। SC ST फीमेल एक्स सर्विसमैन 250 रुपए, एंड दोस्तों ये जो फीस लगती है ना आपकी 500 और 250 रुपए, ये वापस रिफंड हो जाती है जैसे ही एग्जाम्स खत्म होती है उसके बाद। जैसे अनरिजर्व EWS OBC के अभ्यर्थी 500 रुपया देंगे ना, तो फिर 400 रुपए रिफंड हो जाता है, 100 रुपए काट लिए जाते हैं। ये SC ST एक्स सर्विसमैन 250 रुपए आपके वापस रिफंड हो जाते हैं। रेलवे है, ब्याज ब्याज के चक्कर के लिए ले लेता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, एग्जाम सिलेबस क्या रहेगा। ध्यान दीजिए, चाहे आप कॉन्स्टेबल में फॉर्म अप्लाई कर देना, चाहे आप SI पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर देना, एग्जाम्स तो एक रहेगी, एग्जाम्स का पैटर्न तो एक रहेगा। दोस्तों इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर पर और 120 अंक के रहते हैं, एक प्रश्न एक अंक का रहता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/3। समय आपको मिलता है 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट। अगर आपकी GK साइंस और करंट अफेयर्स स्ट्रांग है, ठीक ठाक है, तो समझ लेना आपकी नौकरी पक्की है। कैसे? GK जनरल साइंस और करंट अफेयर्स के 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों इसमें, जो 50 ही अंक के रहते हैं।
एंड रीजनिंग 35 प्रश्न 35 अंक के। अब जिस भाई बहन की गणित यानी कि मैथ कमजोर है ना, तो केवल जीके पढ़ लेना और रीजनिंग पढ़ लेना, यही सिलेक्शन दिला जाएगी, क्योंकि यही से 85 मार्क आपके आ जाएंगे। मैथ्स भी आती है 35 क्वेश्चन 35 अंक, ये सब्जेक्ट आती है दोस्तों, ठीक है। अब जैसे ही इस एग्जाम्स को आप पास कर जाओगे, नेक्स्ट स्टेप पर जाओगे, और नेक्स्ट स्टेप रहेगा फिजिकल टेस्ट, और फिजिकल टेस्ट भी दोनों पद के लिए अलग अलग रहता है। पहले बात करूं मैं कांस्टेबल के फिजिकल की, तो इसमें लंबाई पुरुष अभ्यर्थी, ध्यान दीजिए, अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से हो, पुरुष अभ्यर्थी हो, तो 165 सेंटीमीटर हाइट का होना जरूरी है। महिला कैटेगरी 157 सेंटीमीटर, अगर एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थी हो तो 162 सेंटीमीटर, महिला अगर एससी एसटी की है तो 152 सेंटीमीटर, यह आपकी हाइट रहेगी, लंबाई रहेगी। सीना केवल पुरुषों का मापा जाता है 80 से 85 सेंटीमीटर, एससी एसटी को 5 सेंटीमीटर की छूट है, एससी एसटी के पुरुष अभ्यर्थियों का सीना 76.2 से 81.2 होना चाहिए, महिलाओं का सीना से कोई मतलब है नहीं। दोस्तों इसमें दौड़ भी लगवाई जाती है, रनिंग भी इसमें होती है, पुरुष अभ्यर्थियों की रनिंग 1600 मीटर की रहती है, और ये 1600 मीटर की जो रनिंग है 5 मिनट 45 सेकंड के अंदर पूरी करना होता है। महिलाओं को भी दौड़ लगानी पड़ती है, और महिलाओं की दौड़ 800 मीटर की रहती है, और 800 मीटर की दौड़ 3 मिनट 40 सेकंड के अंदर पूरा करना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हाई जंप भी लगाना पड़ता है दोस्तों, जिसे हम लोकल भाषा में ऊंची कूद भी कहते हैं, तो हाई जंप पुरुष अभ्यर्थी 4 फिट एंड महिला अभ्यर्थी 3 फुट मारना पड़ेगा। घबराइएगा नहीं, आपको 3 चांस मिलते हैं इनके लिए, एक चांस में अगर फेल हो जाते हो तो सेकंड चांस मिलेगा, थर्ड मिलेगा, थर्ड में तो निकाल ही दोगे दोस्तों। लॉन्ग जंप जिसे हम लंबी कूद भी कहते हैं, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 14 फुट रहेगा एंड महिला अभ्यर्थियों के लिए 9 फुट रहेगा, इसमें भी 3 चांस आपको मिलेंगे। यह है कांस्टेबल का फिजिकल। अगर आप एसआई बनना चाहो तो एसआई भी बन सकते हो, एसआई के लिए फिजिकल रहेगा, दौड़ सबसे पहले करवाई जाएगी दोस्तों। दौड़ की लंबाई तो उतनी ही है, पुरुष अभ्यर्थी 1600 मीटर और 1600 मीटर ही आपकी कांस्टेबल में थी, लेकिन ध्यान देना एसआई के लिए अगर फॉर्म अप्लाई करोगे ना आप, तो समय ज्यादा दिया जा रहा है, 1600 मीटर की दौड़ 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी पड़ेगी, यहां 1600 मीटर की दौड़ 5 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी पड़ती है, समय ज्यादा मिला है ना। महिला अभ्यर्थियों की 800 मीटर ही दौड़ है होने को तो, लेकिन समय आपको 4 मिनट मिल रहा है, यहां आपको 3 मिनट 40 सेकंड मिल रहा था, तो एसआई में थोड़ा समय ज्यादा है। हाई जंप में भी छूट है, देख लीजिए, पुरुष अभ्यर्थी 3 फुट 9 इंच है, यहां 4 फुट था, एंड महिला अभ्यर्थी 3 फुट है, यहां भी 3 फुट था, इसमें कोई फर्क नहीं है। लॉन्ग जंप पुरुष अभ्यर्थी 12 फुट, यहां 14 फुट था, महिला अभ्यर्थी 9 फुट, 3 चांस इसमें भी आपको मिलेगा। यह है दोस्तों फिजिकल कांस्टेबल एंड एसआई का। अब फिजिकल में जो भी पास हो जाएगा, इसमें मेडिकल होता है। अब मेडिकल में क्या क्या होगा, मेडिकल में दोस्तों 6x6 आंखों की जांच होगी एंड कलर ब्लाइंडनेस भी देखा जाएगा, लाल को पहचानना जानता है या नहीं, अगर हरे को पीला कह रहा है तो फेल है, और पीले को लाल कह रहा है तो फेल है। रेलवे में ट्रैफिक की बत्तियों को तो देखना जरूरी है ना, लाल हरी येलो, ये आपको देखना बिल्कुल जरूरी है, कलर की पहचान करना आना चाहिए आंखों की जांच में। कान की भी जांच होगी, कान अगर बहरा है तो बिल्कुल निकाल दिया जाएगा, कानों से कम सुनता है, बिल्कुल नहीं सुनता है, सीधा डिस्क्वालिफाइड कर दिया जाएगा, ये कानों की जांच होती है। जीभ की भी जांच होती है, जीभ से गूंगा है या नहीं है, गूंगा है तो फेल है, एंड हकला रहा है बोलने में तो भी फेल है, ये आपकी जीभ की जांच होगी। घुटनों की भी जांच होती है, घुटने अगर मिल रहे हैं तो सीधा डिस्क्वालिफाइड, घुटनों में गैप होना चाहिए, एंड तलवों की भी जांच होती है दोस्तों, और आपकी बहुत सारी जांच होती है, शुगर की जांच होती है, बीपी की भी जांच होती है, और खून की भी जांच होती है। अब खून की जांच इसलिए करते हैं, भाई साहब शराब वराब पीता है या नहीं पीता, कोई ड्रिंक व्रिंक करता है या नहीं करता, वो खून की जांच करके ऐसे आप लोगों की जांच करते हैं, इसलिए नशे से दूर रहिए देश के युवाओं, अगर जिंदगी बनानी है तो। यह आपका मेडिकल होगा, ठीक है। आपने एग्जाम्स भी पास कर दी है, फिजिकल भी पास कर दिया है, मेडिकल भी पास कर दिया है, जिंदगी बन गई है आपके, माता पिता का सपना पूरा हो गया है, सरकारी नौकरी लग गई है। अब सरकारी नौकरी तो लग जाएगी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में आरपीएफ एंड एसआई के पद के लिए सैलरी कितनी मिलेगी, और सैलरी के लिए ही तो हमने इतनी मेहनत की है,
आइए सैलरी जानते हैं। वेतन मिलेगा कॉन्स्टेबल को ग्रेड पे 2000 का, बेसिक पे 26000 से 52000 रुपए है, एंड आपकी एसआई का ग्रेड पे 4200 है, 43000 से 52000 आपका बेसिक पे है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इन हैंड सैलरी कॉन्स्टेबल शुरुआत की 25000 रुपए और एसआई के लिए 34500 रुपए, यह सैलरी है दोस्तों शुरुआती। बाद में सैलरी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, मजेदार नौकरी है, बीवीआईपी नौकरी है, रेलवे की नौकरी है दोस्तों, वर्दी की नौकरी है, जिंदगी बन जाती है, कहने का मतलब मेरा यही है। अब शैक्षणिक योग्यता और रह गई है, क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं दोस्तों तो कांस्टेबल अगर बनना है आपको आरपीएफ के अंदर तो 10वीं की मार्कशीट होना जरूरी है, और एसआई पद के लिए फॉर्म अप्लाई करना है तो ग्रेजुएशन पास करना जरूरी है, बीए बीएससी बीकॉम नॉन टेक्निकल डिग्री होना अति आवश्यक है, यह एलिजिबिलिटी रहेगी भारत देश के बेरोजगार युवाओं। ठीक है, यह बात हो चुकी है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स आरपीएफ नई वैकेंसी आ रही है, फरवरी मार्च में कहीं ना कहीं हमको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन को जिंदगी से बिल्कुल ही भुला देना, अगर सरकारी नौकरी लेनी है ना तेरे को तो यहां ध्यान दे ले, यहीं से सरकारी नौकरी लगेगी। पहले फिजिकल पे भी गौर कर लेना, बॉडी को चेक कर लेना, और बॉडी से बिल्कुल फिट हो तो यह सब्जेक्ट पढ़ लीजिए। अभी से ही प्रिपरेशन करोगे तब ही कहीं ना कहीं यहां आप पहुंचोगे, और नोटिफिकेशन के बाद प्रिपरेशन करोगे, नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करोगे तो कभी सफलता हासिल नहीं लगेगी। कम से कम 6 महीने प्रिपरेशन को देने ही पड़ेंगे, तब जाकर कहीं ना कहीं हम हमारे परिवार की गरीबी दूर कर पाएंगे। प्रिपरेशन कहां से करें, बेस्ट किताब कौन सी ले, इंस्टाग्राम पर छोटा सा मैसेज कर देना, एक रामबाण औषधि बता दूंगा रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के लिए, बस उस रामबाण औषधि को घोट कर पी जाना, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।